पहले नंबर पे आ चुका है ओला एस वन प्रो। ओला इलेक्ट्रिक ने फिर से तबाही मचा दिया और सितंबर में टॉप सेलिंग उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर रहा। उनके अभी दो मॉडल्स अवेलेबल है, ओला एस वन और एस वन प्रो, और इनमें एस वन प्रो बहुत ज्यादा पैमाने पे बिक रहा है। दो नंबर पे है ओकिनावा का इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ओकिनावा ऑटोटेक कंपनी का टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है प्रेज प्रो, तो प्रेज प्रो के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में तीन नंबर पर है हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो इलेक्ट्रिक का CXER सबसे ज्यादा सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है। चार नंबर पर है एम्पियर और एम्पियर का आपको पता है मैग्नस EX, ये टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है, एक ही है उनका जहां पे वो फोकस कर रहा है। उसके बाद में है एथर एनर्जी, तो एथर का सबसे ज्यादा सेलिंग 450X है, उनका अभी जेन 3 आ चुका है। और ये पांच तो हो गए ओला ओकिनावा हीरो एम्पियर एथर, छठे नंबर पे चला गया है TVS, फिर बजाज, फिर बेनलिंग, फिर ओकाया, फिर रिवोल्ट, तो पहले टॉप 10 में ये आ रहा है। 11 नंबर पे है प्योर ईवी, 12 नंबर पे है जितेंद्र और 13 नंबर पे है 22 मोटर्स। तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि पहले तीन जो है उसमें मार्जिन ज्यादा नहीं है, मतलब 8,000-9,000 में खेल रहे हैं। चार नंबर पे एम्पियर है, पांच नंबर पे एथर है, टीवीएस पीछे क्यों रह गया पता नहीं, पहले वो तीन नंबर पे था पिछले महीने में। और ये जो है बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट है ओला का। अभी जानते हैं कि अभी तक 2022 में कौन टॉप कर रहा है, ये पूरे अभी तक इस डेट तक 2022 में कितने स्कूटर बेचे, तो ओकिनावा टॉप कर रहा है 72,000 लगभग उन्होंने स्कूटर बेचे, फिर हीरो, फिर ओला, फिर एम्पियर और फिर एथर, उसके बाद में टीवीएस आ रहा है। तो 2022 में तो टॉप कर रहा है ओकिनावा, और सितंबर के बारे में बात करें तो टॉप कर रहा है ओला। तो इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने वाला है, तबाही वीडियो है, मेक श्योर ये एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, शायद ही इतने डिटेल कंपैरिजन वीडियो आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर मिले। तो शुरुआत करते हैं बैटरी कैपेसिटी के साथ। गाइज, बैटरी होता है हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर बैटरी ना हो, जैसे हम खाना ना खाए तो हमारा शरीर चल नहीं पाएगा, वैसे अगर बैटरी अच्छा ना हो तो इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक व्हीकल चल नहीं पाएगा। तो बैटरी की बात करें तो एम्पियर से एथर वोल्टेक्स, ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने कैसा रखा है, सबसे कम प्राइस वाला लेफ्ट साइड पे। जैसे हम एम्पियर की बात करें, सबसे कम प्राइस है 77,000 एक्स शोरूम प्राइस है। हीरो जो है बढ़ गई अभी प्राइस 85,190, फिर ओकिनावा प्रेस प्रो प्राइस बढ़ चुकी है 87,593, ओला एस वन प्रो 1,40,000 है करीबन, और एथर फ्रूटेक जनरेशन 3 1,55,000 है एक्स शोरूम लगभग। तो लेफ्ट से राइट की तरफ प्राइसेस बढ़ चुकी है, और आपको यहां पे दिख जाएगा तीन ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जैसे एम्पियर है, हीरो है और ओकिनावा है, ये तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स शोरूम प्राइस 1,00,000 के नीचे है। तो ये शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, अगर आपका बजट 1,00,000 के करीब है तो ये तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए हो सकते हैं। अगर 1,00,000 से ज्यादा है तो ओला एस वन प्रो या एथर फ्रूटेक जनरेशन 3 ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए हो सकते हैं। गाइज, बैटरी की बात करूं तो एम्पियर में आपको एनएमसी केमिस्ट्री का बैटरी मिल जाता है, हीरो में LFP मिलता है आपको, ओकिनावा में एनएमसी मिलता है, ओला एस वन प्रो में NMC है, या कोई कोई लोग बोल रहे हैं NCA है, देख लो भाई अभी आपको जो लग रहा है, और एथर में भी NMC है। तो यहां पे सिर्फ आपको दिखेगा हीरो में आपको LFP केमिस्ट्री का बैटरी मिल रहा है। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा बैटरी कैपेसिटी आपको ओला एस वन प्रो में मिल जाती है 3.97 किलोवाट आवर। ये जो किलोवाट आवर है ना, ये एक यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है 1 किलोवाट आवर। तो अगर आपको ओला चार्ज करनी है तो करीबन आपको 40 रुपया खर्चा आएगा, अगर आप एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपया कंसिडर कर रहे हो तो, बहुत ही ज्यादा कंसिडर कर रहा हूं, अगर एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपया कंसिडर कर रहे हो तो ओला चार्ज करने को करीबन आपको 40 रुपए लग जाएंगे। और सबसे कम बैटरी आपको दिख रही है यहां पे प्रेज प्रो की, उसमें सिर्फ 2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक यहां पे दिख रहा है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसमें सीधा आगे जा रहा है ओला एस वन प्रो, उसके बाद में एथर है, उसके बाद में आपको दिखेगा कि यहां पे हीरो है, हीरो ऑप्टिमा HX ड्यूअल बैटरी CXER बोल सकते हो, और उसके बाद में एम्पियर और फिर ओकिनावा प्रेस प्रो। तो बैटरी में सीधा विनर है ओला, बट ओला में NMC केमिस्ट्री की बैटरी है, अभी उसके एक्सटेंडेड वारंटी भी चल रही है, आप 5 साल तक एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो, वैसे आप एम्पियर में भी ले सकते हो, आई डोंट नो अबाउट ओकिनावा एंड एथर, बट सबसे अच्छी बैटरी LFP जो हीरो में है। बात करें मोटर की,
तो एम्पियर हीरो और ओकिनावा इन तीनों में जो मोटर है ये बीएलडीसी हब मोटर है जो पहिए में बैठता है, और ओला S1 प्रो और एथर इसमें एसी मोटर है। ओला में जो मोटर है वो आईपीएमएम टेक्नोलॉजी का मोटर है, इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर। एथर में जो मोटर है वो पीएमएसएम मोटर है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। एथर का जो मोटर है वो बेल ड्रिवन चलता है, ओला S1 प्रो का कुछ अलग अरेंजमेंट है, और ये जो तीन है एम्पियर हीरो और ओकिनावा इनमें आपको बिल्ली से हम मोटर मिल जाएगा। यहां पे मैंने जो मोटर मेंशन किया है, पावर जो मेंशन किया है, यह पिक पावर मेंशन किया है। लेट मी इरेज दिस, मैं इरेज करता हूं एक बार। ओके तो यहां पे सबसे ज्यादा मोटर कैपेसिटी पीक पावर में ओला S1 प्रो में 8.5 किलोवाट की है, इसलिए टॉप स्पीड ज्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसलिए टॉर्क ज्यादा है, क्योंकि बड़ा मोटर लगाया है। उसके बाद में 6 किलोवाट का मोटर आपको मिल जाएगा एथर वोल्टेज जनरेशन 3 में, फिर आपको 2.5 का मिल जाएगा ओकिनावा प्रेस प्रो में, फिर 2.1 का मिल जाएगा एम्पियर मैग्नस एक्स में, और फिर हीरो में आपको 1.2 किलोवाट पिक पावर में बोल रहा हूं, नॉमिनल पावर नहीं बोल रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हीरो की नॉमिनल पावर जो है मोटर की वो सिर्फ 550 वाट है, छोटी मोटर है, बैटरी बड़ी है, इसलिए रेंज ज्यादा अच्छी हीरो में आपको दिख जाएगी। बात करें गाइस मोटर की, तो यहां पे सीधा विनर ओला S1 प्रो दिख रहा है। बैटरी में ऑलरेडी बोल दिया, सीधा विनर हमें ओला S1 प्रो दिख रहा था। रेंज में भी आपको दिख जाएगा ओला S1 प्रो 181 किलोमीटर ARAI सर्टिफाइड रेंज है। यहां पे मैंने जो रेंजेस लिखे हैं वो ARAI सर्टिफाइड रेंज है, ये ट्रू रेंज नहीं है। ट्रू रेंज ओला S1 प्रो का अभी बोला जा रहा है कि 170 किलोमीटर तक आपको मिल सकता है, जो पहले 135 तक था। अगर बात करूं एम्पियर मैग्नस EX तो करीबन 100 किलोमीटर का ट्रू रेंज मिल जाता है। हीरो ऑप्टिमा CXR में लगभग 140 ही मिलता है ट्रू रेंज भी। ओकिनावा प्रेस प्रो में आपको 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक मिल सकता है, और एथर वोल्टेज जनरेशन 3 का जो ट्रू रेंज है वो लगभग कितना है पता है आपको? Do you know? It is only 105 किलोमीटर। तो यहां पे 100 किलोमीटर से अगर आपको ज्यादा रेंज चाहिए तो आपके पास मुझे ऐसा लगता है हीरो, एथर और ओला S1 प्रो ये तीन ऑप्शंस हैं। एम्पियर को कभी कभी 100 किलोमीटर रेंज मिल जाता है, डबल सीट भेजा हो तो वो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज चाहिए, टॉप 5 में चाहिए तो हीरो है, ओला है और एथर है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप स्पीड की। फिर से टॉप स्पीड में सीधा विनर आपको दिख रहा है ओला S1 प्रो, 115 kmph का टॉप स्पीड है। उसके बाद में 80 kmph का टॉप स्पीड आपको एथर में मिल जाएगा, फिर 58 का आपको ओकिनावा मिलेगा, फिर 53 का आपको एम्पियर मिलेगा, और फिर हीरो में आपको 45 का मिलेगा। यहां पे हीरो ने किया क्या है, छोटी मोटर बड़ी बैटरी बहुत अच्छी रेंज, ज्यादा उन्होंने रेंज पे फोकस किया है। परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है हीरो, परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है हीरो, एक सिंपल इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो आपको अच्छा खासा रेंज दे देगा। बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क में भी सबसे बढ़िया टॉर्क ओला S1 प्रो का यहां पे है 58 न्यूटन मीटर, फिर 26 न्यूटन मीटर का आपको मिल जाएगा एथर वोल्टेज जनरेशन 3 में। हीरो और ओकिनावा ने टॉर्क ही मेंशन नहीं किया, बहुत ही कम टॉर्क होगा, मुझे ऐसा लगता है 8 से 10 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क होगा उसको, और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको हीरो एम्पियर मैग्नस EX में मिल जाता है। तो टॉर्क में भी विनर दिख रहा है ओला S1 प्रो। ये ओला का पहले क्या हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम ओला ने फेस किए, जैसे कुछ ओला स्कूटर्स जल गई, कुछ लोगों ने जलाई, कुछ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट सस्पेंशन ब्रेक हो गए, तो ओला का बिल्ड क्वालिटी, ओला का सर्विस, इनको इंप्रूव करने में थोड़ा टाइम गया। अभी वो 200 से ज्यादा एक्सपीरियंस सेंटर, सर्विस सेंटर खोलने वाले हैं। यहां पे नासिक में उनका एक्सपीरियंस सेंटर खुल चुका है, तपोवन रोड पे उनका एक्सपीरियंस सेंटर है, आप जाके देख सकते हो। और ये ओला ने बहुत अच्छा बात किया कि सर्विस सेंटर ओपन कर दिए, नहीं तो वो क्या गाड़ी में आते थे, टेम्पो में गाड़ी लेके जाते थे, बहुत ही बुरे हाल थे ओला के। बट आई होप नाउ दे आर इंप्रूविंग, ओला इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक। तो बात करें ग्रेडेबिलिटी की, तो सबसे जबरदस्त ग्रेडेबिलिटी 20 डिग्री की आपको एथर में मिल जाएगी। ये क्लाइंबिंग में बहुत हेल्प करती है, अगर आपको क्लाइंबिंग करना है तो ये मतलब घाट्स में जाना है, आपको फ्लाईओवर्स चढ़ने हैं, तो ज्यादा ग्रेडेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एथर में आपको 20 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मिल जाता है, फिर ओला S1 प्रो में आपको 15 डिग्री का मिल जाता है, 13 डिग्री का एम्पियर मैग्नस EX में मिल जाता है, और हीरो और ओकिनावा दोनों में आपको खाली 7 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मिलता है, जो आपको सिटी एरिया में फ्लाईओवर चढ़ने हैं तो वो सफिशियंट है। बात करें बूट स्पेस की, मतलब आपके पिछवाड़े के नीचे, सॉरी आप जहां पे बैठते हो उसके नीचे, सीट के नीचे जो जगह है दैट इज कॉल्ड एज बूट स्पेस। तो बूट स्पेस ओकिनावा प्रेस प्रो में 0 है, अंडा, क्योंकि सारी जगह उसका बैटरी खा लेता है। उसके बाद में ये 15 से 20 नहीं होगा, मुझे लगता है 8 to 10 लीटर्स का ही बूट स्पेस होगा हीरो ऑप्टिमा CXR में।
उसके बाद में 19 लीटर का बूट स्पेस अवेलेबल है एम्पियर मैग्नस ईएक्स में, फिर एथर में है 22 लीटर का, और सबसे जबरदस्त बूट स्पेस अवेलेबल है ओला एस वन प्रो में। गाइज ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी आपको अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो वो बाइंग टिप्स का वीडियो मैंने बताया, एक घंटे का वीडियो गाइज, आप मैं जाओ मेरे चैनल पे जाओ, टिप्स फॉर बाइंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक घंटे का वीडियो बनाया मैंने, पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपने राइट इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे चूज करना चाहिए, प्लीज वो जाके आप देखना। बाकी प्राइस की बात करें तो ये जो तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर दिख रहे हैं ये 1 लाख के नीचे है, 1 लाख के नीचे बजट है, तो ये तीन आप टेस्ट राइड करके देख सकते हो। 1 लाख के ऊपर है तो ओला एस वन प्रो है, एथर रूडिक जनरेशन 3 है, टीवीएस आई क्यूब है, बजाज चेतक है, इन इलेक्ट्रिक स्कूटर का आप टेस्ट राइड लेना और फिर डिसाइड करना आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छा लगता है। यहां पे अभी देखें तो लगभग हर पैरामीटर में ओला एस वन प्रो बाकी स्कूटर्स को पीछे डाल रहा है, बट पर्सनली मुझे ओला पसंद नहीं है, मुझे ओला के लुक्स पसंद नहीं है, मुझे ओला की मतलब क्या बोलता हूं बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगती, बट आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको देखना है। मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, जब मैं पूरे 2022 की बात कर रहा हूं, आज जब मैं शूट कर रहा हूं ये 3 अक्टूबर 2022 है, तो अभी तक सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं ओकिनावा ने पूरे 2022 में, फिर हीरो, फिर ओला, फिर एम्पियर, फिर एथर, फिर टीवीएस, फिर बजाज। तो बजाज चेतक भी एक बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर है, खाली रेंज कम है, बट वन ऑफ द बेस्ट एंड प्राइम प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करूं तो बजाज आता है, फिर टीवीएस आता है, टीवीएस भी बहुत ही जबरदस्त है, टीवीएस की तो मतलब लाजवाब है, और फिर एथर की बात करें तो एथर तो पता ही आपको, एथर तो तबाही मचा रहा है, एवरीवन नोज कि एथर ने प्रूव कर दिया है कि उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने अच्छे हैं। तो आपका डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बजाज लेना है, टीवीएस लेना है, एथर लेना है, और बात करूं रिवोल्ट तो ये वन एंड ओनली स्कूटर है, रिवोल्ट जो है दिस इज द वन एंड ओनली स्कूटर जिसमें आपको मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का है वो, ओके बाकी जो है ये सारे स्कूटर है, बट खाली ये जो रिवोल्ट आपको दिख रहा है दैट इज गिविंग यू इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। फिर से अक्टूबर सेल्स की बात करूं तो आपके सामने फिगर्स है, एक नंबर पे है ओला, दो नंबर पे है ओकिनावा, तीन नंबर पे है हीरो, चार नंबर पे एम्पियर, पांच नंबर पे एथर, टीवीएस छह नंबर पे चला गया, बजाज सात नंबर, बजाज ने बहुत इंप्रूव किया है, बेनिलिंग आ चुका है आठ नंबर पे, बेनिलिंग भी बहुत अच्छा खासा कर रहा है, फिर नौ नंबर पे ओकाया, देखो ओकाया कहीं नहीं था, नौ नंबर पे आ गया, फिर रिवोल्ट है 10 नंबर पे, 11 नंबर पे प्यूअर, 12 नंबर पे जितेंद्र, और 13 नंबर पे 22 मोटर्स। तो अभी तो दिख रहा है कि ओला तबाही मचा रहा है, लेट्स सी, मुझे ऐसा लगता है ओला, एथर, टीवीएस और बजाज ये आगे जाके मार्केट के किंग्स होने वाले हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, आप कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद करते हो वो भी नीचे डालना, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, pvj_tasveer वाला मेरा हैंडल है। आई होप आपका इनपुट, आपका प्यार मुझे ऐसा ही मोटिवेट करता रहे, खाली लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।